नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरी पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत आप लोगों ने उसके लिए मुझे कमेंट्स दिए और मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार इस बारे में विस्तार में बात करें, तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आपके सामने उन्हीं चीज़ों को लेकर हाजिर हुआ। दोस्तों, जैसा कि इस टाइम हम लोग मिडिल क्लास लोग, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग काफ़ी दिन से इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। हम लोगों की परेशानी जो है वो बहुत तरह की है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे बातें बताई, लोगों ने मेरे, मैं मान के चलूँगा सर, मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई, मेरे को सच में एक बार तो रोना आ गया कि ये हो क्या रहा है। मैंने बहुत से लोगों को बहुत सारी इंटरव्यूज़ और बहुत सारी बातें लोगों की पढ़ी, सुनी, देखी। दोस्तों, मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है जिसके थ्रू मैं बहुत सारे डाटास आपके सामने रख पाऊँ, लेकिन मैं जो कंक्लूज़न निकाल पाया इन सारी बातों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं लोगों की। मेरे पास एक किसी का कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले मेरे पास एक इस तरह से एक लेटर आया। लेटर क्या आया सर, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया और बताया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे दोस्त व्यापारी भाई थे, वो मुझे अच्छे ठीक ठाक लोग हैं, ठीक ठाक फाइनेंशियल, हम लोग सबको एक जैसा मान के चलते हैं कि सब फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं, ठीक हैं, सबको देखने में सब ऊपर से सब अच्छा लगता है। पर दोस्तों, जब मैं उन्होंने मैं कुछ भी अमाउंट या कोई बात नहीं, या किसी का नाम ऊपर नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ बात की गहराई में जाना चाहूँगा कि हम मिडिल क्लास लोग इस वक्त इतने ज़्यादा परेशान हैं। हमारी किसी भी तरह से कोई भी, किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। हमारे बच्चों के स्कूल की फीसें, ट्यूशन फीसेस, और हमारे लोन्स की, तो मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुका हूँ, GST बिल्स, किसी भी तरफ से हमारी कोई सुनवाई दोस्तों नहीं हो रही, कोई हमारी तरफ नज़र नहीं कर रहा, और ना मुझे आने वाले समय में किसी भी तरह से किसी से कोई संभावना नज़र आ रही है। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं उस पॉजिटिविटी के बीच में ये देख रहा हूँ। कल मैं वेंकैया नायडू जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो किसी पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप लोग इन जो फैक्ट्रीज या जो शॉप्स कीपर्स हैं, ये शॉप्स जब खोलेंगे, इनके ऊपर जो लायबिलिटीज़ होंगी वो किस तरह से उनको हैंडल करेंगे। किसी पत्रकार ने एक क्वेश्चन किया कि आप कह रहे हैं कि लेबर्स को सैलरीज दी जाए, तो सब सहमत हैं। वेंकैया नायडू जी ने कहा कि आप जो लोग दे सकते हैं वो तो दीजिए ना। तो कुल मिला के नज़र ये आया कि कहीं से भी कुछ राहत मिडिल क्लास को किसी भी तरह से कोई राहत नहीं है। इस लिस्ट में मैं अगर मिडिल क्लास में कहूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं सर, होटल्स वाले हैं, होटल्स वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, ट्रांसपोर्टर्स हैं, बस वाले हैं, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट, बहुत लंबा ट्रांसपोर्ट की लिस्ट है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। होटल इंडस्ट्री तो सबसे लास्ट में, बैंकेट्स वाले ये सबसे लास्ट में जाकर ओपन होंगे। ढाबों को, कुछ ढाबों को सिर्फ थोड़ी सी परमिशन दी गई है कि करेंगे, वो भी 20 तारीख के बाद पता चलेगा कि किस लेवल पर मिलती है। बहुत सारी बातें इकट्ठी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इकट्ठी कहने को, बहुत सारी बातें हैं कहने को। लास्ट वीडियो में भी कहा था, कहने को बहुत कुछ है, किससे कहें हम, लेकिन आप लोगों ने फिर रिक्वेस्ट की कि इस चीज़ को मैं पूरी आगे बात को बढ़ाऊं। दोस्तों, हाथ जोड़ के सभी मिडिल क्लास लोग, फैमिलीज रिक्वेस्ट करती हैं सभी अथॉरिटीज़ को, इनके बारे में सोचें, इनको एटलीस्ट हम लोगों के बिजली के बिल,
हाउस टैक्सेस, जीएसटीज और इस तरह की बहुत सारी रिलैक्सेशंस की ज़रूरत है। हम लोग लॉकडाउन 3 मई बताया जा रहा है, इसके 3 मई के बाद भी कितने टाइम तक हम लोगों पर बंदिश होंगी, हम इन बंदिशों से किसी भी तरह से इनकार नहीं कर रहे। ये हमारे फेवर के लिए है, घर पर रहने हमारे ही हक में है, हम इन चीज़ों को टोटल एग्रीड करते हैं। पर लेकिन हम जब निकलेंगे तो उसके बाद, घरों से निकलने के बाद हम लोगों को क्या सॉल्यूशंस मिलेंगे फाइनेंशियल, हम लोग ये 30 या 40 या 45 दिन का लॉकडाउन झेलने के बाद हम लोग कितने वीक हो जाएंगे और कितने हम लोग इंडस्ट्रीज, इसमें से कितनी स्मॉल इंडस्ट्रीज, कितने, मैं एग्रीकल्चर लाइन का ही कल पढ़ रहा था, 7,000 करोड़ रुपए का इन पिछले 21 दिनों में नुकसान हो चुका है। हमारा तो कोई मिडिल क्लास लोगों का, फैक्ट्रीज का, शॉप्स का, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का और आपके शॉपकीपर्स का, कितने अनगिनत कैटेगरीज हैं जो शायद मैं आप लोगों को गिनवा भी नहीं सकता, कितना नुकसान होने जा रहा है और कितना नुकसान होगा। और ये इन चीज़ों से हम व्यापारी वर्ग कभी भी कितने समय में भी उभरने के लायक शायद हम लोगों में से कुछ एक लोग ही निकल पाएंगे इन चीज़ों से। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जो भी अथॉरिटीज़ इन वीडियोस को सुन रही हैं, प्लीज़ इस मिडिल क्लास पे, खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं बहुत से लोगों के पास, लेकिन हम लोग आज उस, क्या शब्द दूँ कि हम अपने आप को, इतना हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर लिया है कि हम उन चीज़ों को दूसरों के सामने नहीं ला पा रहे। सो रिक्वेस्ट है मिडिल क्लास के लिए, ना कोई राशनिंग है, ना कोई गरीबों के, आपने किसानों के सबके अकाउंट्स में पैसा दिया है, उनको हेल्प दी जा रही है, अनाज या हर तरह की उनको सेवाएं दी जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई भी हेल्प किसी भी तरह की अब तक आने वाले समय में नहीं है। और मेरी पिछली वीडियो को आए हुए भी लगभग 4 दिन होने जा रहे हैं, उससे लेकर आज तक मैंने सभी न्यूज़ को और सभी चैनल्स को सब जगह मैंने देखा, लेकिन मुझे कहीं भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस, ये चीज़ें नज़रों में नहीं आती, प्लीज़ इनको और लोगों तक शेयर कीजिए, शायद ये दोस्तों मिडिल क्लास के लिए शायद कहीं से कोई उम्मीद की किरण निकल आए। इन्हीं बातों के साथ थैंक्स, धन्यवाद।